हेलो एवरीवन, की लर्न सो नेहा जी जी टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके पास आ गई हूँ। और प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग पूरा वीडियो देख कर ही जाए। और देख सकते हैं मैं रात से अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, सो आप देख सकते हैं। और मैं आलू परवल का सब्जी बना चुकी, और मैं इधर रोटी फटाफट से बना लेती हूँ। और सेवई मैं चढ़ाई हुई हूँ और उधर दवा देकर मैं आ गई हूँ। और मेरी बेटी को मैं पढ़ा के उठी हूँ, तब ये खाना बना रही। और आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। सो और फ्रेंड्स, मुझे बहुत मैं बहुत अपसेट सी हो गई हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट चुका है। और मैं अब टेंशन मुझे हो गया है कि मैं ब्लॉगिंग कैसे कर पाऊँगी। और मोबाइल तो कोई सस्ता आता नहीं है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। और एक मोबाइल ही है जिसके सहारे आप थोड़ा सा इंटरटेनमेंट या अपना कोई काम कर सको। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है कि मोबाइल का, और मुझसे ही गिरा, मेरी बेटी से नहीं, हल्का सा ऐसे हाथ से लग के गिर चुका। इस वजह से मुझे अपने आप पे ही इतना गुस्सा आया, पर कर भी क्या सकते हैं, जो होना है सो तो होके ही रह जाता है। सो अब पता नहीं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी भी या नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल अगर ख़राब हो गया तो फिर लेने में बहुत प्रॉब्लम है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आप लोग को जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भी वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इस वजह से मैं बीच में बोल नहीं पाई हूँ और म्यूजिक डाल दी थी। ऐसे म्यूजिक तो बैकग्राउंड में रहता ही है, पर मैं डाल दी हूँ। और ये आए हुए हैं तो वो छत पे है ना, छत पे जो घर बन रहा है उससे थोड़ा सा सीम पकड़ के छत के नीचे जो पानी सा लग जाता है वो वहीं देख रहे थे कि लगा हुआ है कि नहीं, तो मैं बात कर रही थी। और ये आ गई मेरी बेटी के लिए, मैं जिनको जिनके बच्चे अगर खाना नहीं खाते उसके लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ। रोटी को आप तोड़ के एक या दो, जैसे आपके बच्चा खाना चाहे जितना खा सके, आधा एक दो आप थोड़ा सा उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दीजिए। उसको मिक्सी में डाल के एक बार उसको चला दीजिए और उसमें आप दूध चीनी डाल के खिलाइए, आपका बच्चा ज़रूर खाएगा। मैं भी अपनी बेटी के साथ यही ट्राई करती हूँ। और इससे ये बेनिफिट होता है कि रोटी दूध तो देह में चला जाता है, और जल्दी जल्दी से उसको लिक्विड बना के आप खिला दीजिए तो वो घोंट भी लेती है जल्दी जल्दी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और जो नई नई मम्मी बनी है उनके लिए मैं बता दी हूँ ऐसे ही किया जाता है। और ये मैं खाना देने चली गई, अब मैं जल्दी से आती हूँ खाना देकर, और उसके बाद मैं बेटी को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, हस्बैंड को खाना देके। और उसके बाद सोने से पहले एक घंटा पढ़ाई करती हूँ, फिर सोती हूँ। सोते सोते 12 तो बज ही जाना है। और मैं ये देखकर आ गई, अब मैं फिर खाना निकाल रही हूँ। और मैं
और ये मैं फटाफट से कर लेती हूँ, सबको क्लीन करके रख देती हूँ और मैं खुद अपना भी खाना निकाल ली हूँ। मुझे न है ना कि वो भूख नहीं, पर लगता है कि खाना भी एक काम ही है, मैं उसको ख़त्म कर दूँ, मुझे ऐसा लगता है। और पता नहीं कितनों को लगता है या नहीं, पर मुझे ये लगता है कि खाना एक काम ही है, उसको जल्दी से ख़त्म। और मुझे खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जितना भी खाना है फटाफट से खा कर काम ख़त्म करो, मुझे ये लगता है। सो फ्रेंड्स, और ये मैं देखिए मेरा किचन पूरा, और ये सब जो आपको डब्बा दिख रहा है ये सब में कवर लगने वाला है। सो ये किचन मेरा पूरा क्लीन दिखेगा। और उसके बाद का मैं नहीं ले पाई थी, और उसके बाद कल होके का वीडियो है, वो भी शाम के टाइम का ही वीडियो है, जबकि मैं अंडा करी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को वो बोले कि अंडा करी आज बना, खाने का मन है, सो मैं वही बना रही हूँ। और तो मैं तो वो पीछे बनाती थी सीढ़ी के पास, पर वहाँ पे काम हो रहा है, लेबर मिस्त्री आते जाते रहते हैं, वहाँ पे स्पेस पूरा चाहिए जाने आने का रास्ता, इस वजह से मैं हॉल में ला के उसको बना रही हूँ। और यहीं पर अभी कुछ दिन तक फ़िलहाल यहीं पर मैं बनाऊँगी, और पहले भी बनाई हूँ यहीं पर, तो यहीं पे बना रही हूँ। और इसका पूरा वीडियो मैं शूट की हूँ, पर इसमें मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ही दिखाई हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसका पूरा वीडियो लेकर आऊँगी। और ये बेटी मेरी इधर पूरा खेलने में व्यस्त है, वो खेल रही। तो ये देख सकते हैं मैं अंडा अब इसको करने के लिए। सो मैं फिर से आपसे यहीं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, ताकि मैं खुद से कुछ कर पाऊँ और कुछ अंदर से कुछ अच्छा लगे, खुशी मिले। मैं अच्छा ब्लॉग, अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आ, मैं बहुत स्टिचिंग के बारे में या कुछ मैं बहुत सारी वीडियो सोचती हूँ बनाने के लिए, पर टाइम का अभाव हो जाता है, और दूसरा है कि चैनल ग्रो नहीं हो पाता है, इस वजह से भी थोड़ा सा लगता है कि कोई जब देखता ही नहीं है तो बना कर क्या फ़ायदा, इस वजह से भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। पर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें,